बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय की बात करें, अक्षय कुमार बिल्कुल रेडी हैं बैक टू बैक मूवीज लाने के लिए अपने फैंस के लिए। जी हाँ, फिलहाल चाहे वो बात हो बच्चन पांडे की, पृथ्वीराज फिल्म की या फिर सूर्यवंशी की, अक्षय कुमार के फैंस बिल्कुल रेडी हैं उनकी इन मूवीज को एंजॉय करने के लिए और काफी ज्यादा एक्साइटेड है बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों के लगने तक। वही अगर हम बात करें अक्षय कुमार की, तो मिशन मंगल भी काफी ज्यादा हिट रही है जो रिसेंटली उनकी मूवी आई थी। अब वो पूरी तरह से लगे हुए हैं सूर्यवंशी के लिए। जी हाँ, सूर्यवंशी फिल्म आने वाली है उनकी, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं रोहित शेट्टी। और इस फिल्म में एक्शन बाकमाल होने वाला है, क्योंकि रोहित शेट्टी डायरेक्ट कर रहे हैं और खिलाड़ी कुमार है, एक्शन क्यों नहीं होगा यार। और अगर हम बात करें इस फिल्म से जुड़ी रीसेंट अपडेट की, तो रीसेंट अपडेट ये है कि रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार जो दोनों हैं, क्लाइमैक्स सीन के लिए जबरदस्त तैयारियों में जुटे हुए हैं। रोहित शेट्टी ने सिंघम यानी कि अजय देवगन और सिम्बा यानी रणवीर सिंह को भी बुलाया है इस फिल्म के क्लाइमैक्स के लिए। यानी खिलाड़ी कुमार, अजय देवगन और रणवीर सिंह तीनों नजर आने वाले हैं इस फिल्म के क्लाइमैक्स के लिए। यानी ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा क्लाइमैक्स में। एक्शन पैक्ड क्लाइमैक्स होने वाला है सूर्यवंशी का। ये तो फिल्म रिलीज होने से पहले ही पता चल चुका है, क्योंकि तीनों हैं यार, तीनों सिंघम, सिंह और सूर्यवंशी, अगर तीनों एक साथ आ जाएंगे तो कितना ज्यादा एक्शन से भरपूर क्लाइमैक्स होगा और कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और रोहित शेट्टी इसमें क्या तड़का लगाते हैं ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो है ऑडियंस में क्रेज बहुत ज्यादा बन गया है, क्योंकि तीनों के एक साथ आने की जब से ये अपडेट खुली है तब से ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है सूर्यवंशी फिल्म देखने के लिए। आपको बता दें कि सूर्यवंशी फिल्म को इस साल दिसंबर में रिलीज किया जा सकता है, और देखना ये होगा कि रोहित शेट्टी, खिलाड़ी कुमार, रणवीर सिंह और अजय देवगन मिलके क्या तड़का लगाते हैं। और अब देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि रोहित शेट्टी और खिलाड़ी कुमार मिलके कितना इंप्रेस कर पाते हैं एक्शन लवर्स को और अपने फैंस को।